नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की तीन बड़ी खबरों के साथ। आखिरी दो चरणों के लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह चार रैलियां करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दूसरे राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी ओडिशा और बिहार में प्रचार करेंगे। दोनों राज्य में दो दो रैलियां करेंगे। विपक्ष ने भी कमर कस ली है। अखिलेश यादव भी आज तीन जनसभाएं करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी मिर्जापुर में रैली करेंगी। उसके बाद बिहार के बक्सर में भी जनसभा को संबोधित करेंगी। और गृह मंत्री अमित शाह मिशन 80 को साकार कर में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज वो यूपी में चार रैलियां करेंगे। की पहली रैली सिद्धार्थ नगर में डुमरियागंज सीट के लिए होगी। दूसरी जनसभा संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और चौथी जनसभा प्रतापगढ़ में वो संबोधित करेंगे। खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह मिशन 80 को साकार करने में जुटे हुए हैं। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार गृह मंत्री का जारी है। आज भी वो यूपी में चार रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह की पहली रैली सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज सीट के लिए होगी। दूसरी जनसभा संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और चौथी जनसभा प्रतापगढ़ में वो संबोधित करेंगे। और न्यूज 18 पर दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 4 जून के बाद राहुल गांधी वेकेशन का प्लान करेंगे। ये पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9 बजे। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है, क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। और सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। आज मुख्यमंत्री ओडिशा और बिहार में हुंकार भरेंगे। ओडिशा के पुरी और केंद्रापाड़ा में जनसभा करेंगे। पुरी के बानपुर में जनसभा होगी। इसके बाद सीएम योगी केंद्रापाड़ा लोकसभा क्षेत्र में महंगा में 1 बजे जनसभा करेंगे। ओडिशा के बाद बिहार के पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के मोतिहारी में शाम 4 बजे जनसभा होगी। यहाँ के बाद सीएम पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट के रागड़वा में जनसभा करेंगे 5 बजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वांचल में ताकत झोंकेंगे। रक्षा मंत्री लालगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। दोपहर 3 बजे खजूरी गणेश पट्टी मेहियापार बाजार के पास जनसभा को संबोधित करेंगे और नीलम सोनकर के लिए समर्थन मांगेंगे। आगे बढ़ते हैं। बचे 2 चरण के लिए उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम आरक्षण पर रण छिड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने विपक्ष के सामने वो मुद्दा छेड़ दिया जिसके कारण ढूंढते ढूंढते दोनों चरण की वोटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी ने दो लड़कों की जोड़ी को निशाने पर लेते हुए जनता के सामने शर्तें रख दी हैं। का एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून को उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके बोलो जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। मोदी योगी की सुपर जोड़ी, जिनके तेवर जिनके कलेवर 400 पार के फेवर है, विपक्ष का भ्रम तोड़ने के लिए मैदान में है और हिंदुत्व के खिलाफ विपक्षी एजेंडे को कब्रिस्तान में दफन करने की ठान चुके हैं।
25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। मोदी योगी के तर्कश में ऐसे ऐसे शब्दवाण हैं जिससे बचाना इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, क्योंकि राम विरोधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने डबल अटैक किया है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के साजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है, वो ये कहती है कि हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है। जजिया कर क्या? जजिया कर देंगे? अरे स्वतंत्र भारत है, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने भाई को की हत्या की। औरंगजेब ने अपने बाप सांजा को कैद कर दिया था। पांच चरणों का चुनाव बीत चुका है, दो चरणों का चुनाव बाकी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने राम मंदिर के साथ विपक्ष के तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला, तो सीएम योगी ने पाकिस्तान पर नई बहस छेड़ दी है और इशारों इशारों में कह दिया, पाकिस्तान का राग अलापने वाले भारत पर बोझ मत बनो। 23 करोड़ की कुल आबादी और वह अभी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो, जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानी लोग आपके सामने हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। वजह है कि पूरा एनडीए चुनाव में ब्रांड मोदी को धार देने में जुटा है। मंच जो भी हो, एनडीए के साथी दमखम के साथ मोदी की गारंटी दे रहे हैं और राम मंदिर के साथ हिंदुत्व और पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीएम मोदी ने श्रावस्ती में भी विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान एक तस्वीर आई जो काफी सुर्खियों में है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्र पीएम मोदी से बातचीत करते आए। दरअसल साकेत मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष मिश्र के बेटे हैं, जो इस बार मुस्लिम बाहुल श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम मोदी खुद उनके समर्थन में आज चुनाव रैली करते नजर आए हैं। ये तस्वीर उसी वक्त की है।